हरियाणा की सियासत में जहां बीजेपी ने तीसरी बार सरकार बनाकर इतिहास रचने का काम कर दिया है, वहीं पर हुड्डा फैमिली ने कांग्रेस का लगातार तीसरी बार बंटाधार कर दिया है। चार बार भूपेंद्र हुड्डा की अगुवाई में कांग्रेस ने चुनाव लड़े हैं और चारों बार ही कांग्रेस को मात खानी पड़ी है। 2009 में पहली बार भूपेंद्र हुड्डा की अगुवाई में कांग्रेस ने चुनाव लड़ा, उस बार कांग्रेस को बहुमत नहीं मिला और 40 विधायकों के बाद हजका के विधायकों को तोड़कर ही भूपेंद्र हुड्डा ने सरकार चलाई। उसके बाद 2014 में भूपेंद्र हुड्डा ने कांग्रेस को 15 सीटों पर समेट दिया। 2019 में भी वो बीजेपी के सामने पूरी तरह से मात खा गए और 2024 में वो गोल्डन चांस को भी खराब कर बैठे। यानी भूपेंद्र हुड्डा को कांग्रेस हाईकमान ने हरियाणा में पिछले 20 साल से सुप्रीम पावर बना रखा है, लेकिन उनकी अगुवाई में कांग्रेस सत्ता में वापसी नहीं कर रही है और इसकी सबसे बड़ी वजह है कि भूपेंद्र हुड्डा ने कांग्रेस का पूरे सिस्टम के साथ ही खात्मा किया है, उसे बिल्कुल अपंग बना दिया है और पूरी की पूरी पार्टी के ऊपर वो काबिज हो गए हैं। यही वजह है कि पिछले 10 साल से कांग्रेस का हरियाणा में संगठन नहीं है और भूपेंद्र हुड्डा के कारण ही कांग्रेस के एक दर्जन कद्दावर नेता उसे छोड़कर जा चुके हैं। यानी भूपेंद्र हुड्डा ने 2005 में मुख्यमंत्री बनने के बाद हरियाणा कांग्रेस के ऊपर जिस तरह से कब्जा किया, उसके चलते एक एक करके बड़े नेताओं को कांग्रेस छोड़कर जाने पर मजबूर होना पड़ा। 2024 का चुनाव भूपेंद्र हुड्डा ने आखिरी सियासी लड़ाई के तौर पर लड़ा था। उन्होंने अपने समर्थकों से ऐलान किया था, आह्वान किया था कि इस आखिरी लड़ाई में वो उनका सहयोग करें। उनकी आखिरी लड़ाई अपने बेटे दीपेंद्र हुड्डा को मुख्यमंत्री बनाने की थी। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए भूपेंद्र हुड्डा ने हर मुमकिन कोशिश की, हर हथकंडा अपनाया और हर पैतरा आजमाने का काम किया। भूपेंद्र हुड्डा ने 72 सीटों पर अपने चहेतों को टिकट दिलवाकर कुमारी शैलजा को इसलिए खुद लाइन लगा दिया ताकि वो मुख्यमंत्री पद की दावेदारी ना जता पाए। भूपेंद्र हुड्डा को इस बात का गुमान था कि जिस तरह से लोकसभा चुनाव में बीजेपी के मुकाबले उन्होंने 5 सीटें कांग्रेस को दिलवाई थी, उसके चलते विधानसभा चुनाव में जनता अपने आप ही कांग्रेस के हर प्रत्याशी को वोट देगी और उसके चलते उनके बम्पर संख्या में विधायक बनेंगे और वो अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाने का सपना साकार करेंगे। लेकिन भूपेंद्र हुड्डा की मनमर्जी और मनमानी ने अहंकार का रूप ले लिया, जिसके चलते हरियाणा की जनता का माथा ठनक गया और उसने भूपेंद्र हुड्डा को सबक सिखाने का मन बना लिया। जिस तरह से कुमारी शैलजा की अनदेखी हुई, जिस तरह से उनका अपमान हुआ, उसके चलते प्रदेश का बड़ा एससी समुदाय भी कांग्रेस से विमुख हो गया और भूपेंद्र हुड्डा के खिलाफ वोट दिया। यानी जहां बीसी वोट बैंक पूरी तरह से पहले से बीजेपी कब्जे में था, वहीं ब्राह्मण बनिया और राजपूत और गुजर समुदाय ने अहीर वोटरों के साथ मिलकर बीजेपी के पक्ष में लामबंदी की और यही वजह रही कि बीजेपी जहां एक तरफ तीसरी बार धमाके के साथ पूर्ण बहुमत की सरकार बना गई, वहीं भूपेंद्र हुड्डा फैमिली को ठेंगा दिखाने का काम किया। दरअसल भूपेंद्र हुड्डा ने अपने बेटे दीपेंद्र हुड्डा को मुख्यमंत्री बनाने के लिए हर सीमा को लांघने का काम किया, हर लक्ष्मण रेखा को पार करने का काम किया। उन्होंने हाईकमान की चौकड़ी के साथ सेटिंग करते हुए बाकी के विरोधी नेताओं को जहां ठिकाने लगा दिया, वहीं अपनी मनमर्जी के अध्यक्ष बनाए, अपनी मनमर्जी से ही सिस्टम चलाया। जो प्रदेश अध्यक्ष उनके खिलाफ चले, उनको उन्होंने काम नहीं करने दिया और उनको पूरी तरह से हाशिए पर रखा। यही वजह रही कि अशोक तंवर और कुमारी शैलजा 7 साल तक पार्टी का संगठन नहीं बना पाए और मजबूरी में ही दोनों नेताओं को अपना अध्यक्ष का पद छोड़ना पड़ा। कुमारी शैलजा विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहती थी, लेकिन उनको भी टिकट नहीं लेने देगी और सिर्फ 9 प्रत्याशियों के साथ उनको भी पूरी तरह से ठिकाने पर लगा दिया गया। भूपेंद्र हुड्डा को इस बात का गुमान था कि वो जिसे चाहेंगे उसे टिकट देंगे और वो जिसे टिकट लेंगे उसे जनता विधायक बनाने का काम करेगी। लेकिन भूपेंद्र हुड्डा की इस गलत फहमी का जनता ने इलाज कर दिया और ये बता दिया कि भूपेंद्र हुड्डा की मनमर्जी पार्टी के अंदर तो चलती है, लेकिन जनता अपने हिसाब से फैसला देगी, जनता अपने हिसाब से वोट देगी। यही वजह है कि भूपेंद्र हुड्डा का खुद उनके गढ़ में ही सवा सत्यानाश हो गया और सोनीपत की 6 में से 5 सीटें वो हार गए। भूपेंद्र हुड्डा जाटों के सभी गढ़ों के अंदर चुनाव हार गए, चाहे वो सोनीपत था, चाहे वो जींद था, चाहे वो हिसार था और चाहे भिवानी था। यानी 80% सीटों पर यहाँ बीजेपी के निर्दलीय विधायक बने, जिसके चलते भूपेंद्र हुड्डा की सारी अकड़ निकल गई और जनता ने भूपेंद्र हुड्डा को ये सबक सिखा दिया कि उनकी दाल नहीं गलेगी। वो जिस हिटलर शाही के साथ पार्टी को चला रहे हैं, उसके चलते वो उन्हें जन समर्थन नहीं देगी और यही वजह रही कि कांग्रेस लगातार चौथी बार बहुमत से दूर हो गई और बीजेपी ने जनता के बलबूते पर लगातार तीसरी बार सत्ता का सरताज बनकर उन्हें ठेंगा दिखाने का काम किया। भूपेंद्र हुड्डा को इस बात का एहसास नहीं था
कि जनता उनके बारे में क्या सोचती है। उनको ये लगता था कि बीजेपी की 10 साल की सरकार के खिलाफ बड़ी नाराजगी है, जनता उनको सबक सिखाएगी, विधानसभा चुनाव में भी लोकसभा चुनाव वाले नतीजे आएंगे और बैठे बैठाए उनकी सरकार बन जाएगी। यही वजह रही कि भूपेंद्र हुड्डा ने लगभग 2 दर्जन के करीब निकम्मे और कमजोर प्रत्याशियों को टिकट देने का काम किया। उन्होंने सीटिंग गेटिंग के फार्मूले के तहत पक्के तौर पर हारने वाले विधायकों को भी टिकट देने का काम किया। 28 में से 16 कांग्रेस के विधायक चुनाव हार गए। खरी खरी न्यूज ने पहले ही बताया था कि भूपेंद्र हुड्डा हारने वाले विधायकों को टिकट देंगे और वो कांग्रेस की हार का कारण बनेंगे। इसके अलावा जीटी रोड के ऊपर भी भूपेंद्र हुड्डा ने कमजोर प्रत्याशी उतारने का काम किया। यही वजह रही कि कांग्रेस के अंदर भी भूपेंद्र हुड्डा के खिलाफ बगावत हुई। जहां एक तरफ 2 दर्जन से ज्यादा नेताओं ने बगावत करके चुनाव लड़ा, वहीं पर 2450 टिकट के दावेदारों ने भी भूपेंद्र हुड्डा के खिलाफ अंदर खाते बगावत की, भितरघात किया और कांग्रेस के प्रत्याशियों को ठिकाने लगाने का काम किया। क्योंकि कांग्रेस के लिए मेहनत करने वाले नेताओं को इस बात का एहसास हो गया कि भूपेंद्र हुड्डा अगर मुख्यमंत्री बन गए या उनका बेटा दीपेंद्र हुड्डा मुख्यमंत्री बन गया तो कांग्रेस के अंदर सीटिंग गेटिंग का फॉर्मूला रहेगा और एक बार विधायक बनने वाले नेताओं के टिकट अगले 3 और 4 सीजन में भी नहीं कटेगी, यानी अगले 15 से 20 साल तक उनकी सियासत का खात्मा हो जाएगा। और यही वजह रही कि कांग्रेस के नेताओं ने ही अंदर खाते कांग्रेस के प्रत्याशियों को हराने का काम किया। बाकी भूपेंद्र हुड्डा के लिए एक जाति का टैग लगना भी और सारी की सारी पावर अपने हाथ में रखना भी नुकसानदायक रहा। यानी भूपेंद्र हुड्डा ने अपने बेटे दीपेंद्र हुड्डा को मुख्यमंत्री बनाने के लिए जहां पार्टी को पूरी तरह से लपंज बना दिया, अपंग बना दिया, वहीं पर उन्हें पार्टी के दूसरे नेताओं को भी हाशिए पर डाल दिया। यही वजह रही कि वीरेंद्र सिंह के बेटे भी चुनाव हार गए और रणदीप सुरजेवाला को भी पूरे चुनाव में अपने बेटे के चुनाव के लिए लगना पड़ा और कुमारी शैलजा भी अपने अनदेखी के चलते नाराज रही और वो सिर्फ अपने समर्थक प्रत्याशियों के चुनाव प्रचार में उतरी। यानी राहुल गांधी भी उन्हें इंसाफ नहीं दिला पाए और यही वजह रही कि राहुल गांधी भी हरियाणा में पूरी तरह से फेल हो गए। वो जहां जहां चुनाव प्रचार करने के लिए गए थे उनमें कांग्रेस महज 33% सीटों पर ही जीत हासिल कर पाई। यानी राहुल गांधी का ब्रह्मास्त्र भी भूपेंद्र हुड्डा ने अपने हाथों से फेल कर दिया, उसे बेबस और खराब साबित कर दिया। यानी भूपेंद्र हुड्डा ने अपनी निकम्मी प्लानिंग के चलते, अपनी खुद गर्जी की हसरत के चलते कांग्रेस का सत्यानाश कर दिया। कांग्रेस की ब्रांड माटी, खराब माटी और रेरे माटी तीनों कराने का काम कर दिया और यह वजह रही कि भूपेंद्र हुड्डा की इस हितलरसाई के कारण कांग्रेस एक बार फिर से सत्ता से बाहर हो गई है। लेकिन ये कांग्रेस की हार नहीं बल्कि भूपेंद्र हुड्डा फैमिली की भी हार है और भूपेंद्र हुड्डा की आखिरी लड़ाई है वो हार के साथ खत्म हुई है और भूपेंद्र हुड्डा के बेटे दीपेंद्र हुड्डा अब शायद ही कभी मुख्यमंत्री बन पाएंगे। यानी बेटे को मुख्यमंत्री बनाने की भूपेंद्र हुड्डा की हसरत अब अधूरी रहेगी और ये अधूरी हसरत उनके अंदर टीस बनकर रहेगी और ये हार का झटका उनसे बर्दाश्त नहीं होगा, वो घुटन में रहेंगे। यानी भूपेंद्र हुड्डा को अपनी जिंदगी की उस समय सबसे बड़ी हार का सामना करना पड़ा है जहां वो पावर के मामले में सुप्रीम थे, उनके हाथ में हर फैसला था, उनके हाथ में हाईकमान था, उनके हाथ में जनता भी थी, लेकिन उन्होंने अहंकार में आकर कांग्रेस को सत्ता से लगातार तीसरी बार बेदखल कर दिया। लेकिन ये आत्मघाती फैसला, ये आत्मघाती सोच उनको भस्मासुर बनाने का काम कर गई और यही वजह है कि कांग्रेस के साथ साथ उनके भी सियासी करियर का बंटाधार हो गया है। आप भूपेंद्र हुड्डा की गलतियों के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताइए। भूपेंद्र हुड्डा फैमिली की सियासत का अंजाम क्या होगा ये भी कमेंट करके जरूर बताइए। क्या दीपेंद्र हुड्डा कभी मुख्यमंत्री बन पाएंगे ये भी कमेंट करके जरूर बताइए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।